हेलो दोस्तों, अभी के कुछ समय पहले यूएस और ईरान की लड़ाई शुरू हुई थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, उस लड़ाई को देखने के बाद में हम सब और हमारी पूरा इंडिया और बाकी सारे देश काफी ज्यादा डर गए थे और सोच रहे थे कि ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते कहीं वर्ल्ड वॉर 3 न बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ अमेरिका की सरकार द्वारा और ईरान की सरकार के द्वारा। तो ठीक इसी प्रकार से कोरोना वायरस भी हमारे देश में आते आते रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो चीन की सरकार हमसे दिन प्रतिदिन छुपा रही है, पूरी दुनिया से छुपा रही है और पूरी दुनिया को झूठ बोलती चली आ रही है। दोस्तों, आप बचपन से सुने होंगे कि चीन एक धोखेबाज देश है। वो बातें इसीलिए हैं क्योंकि चीन सच्ची में धोखा देते आ रहा है। अब कोरोना वायरस को लेकर के चीन ने हमसे काफी ज्यादा झूठ आज तक बोल डाले हैं। वो कौन कौन से झूठ हैं और क्या ऐसी अफवाहें हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो में अंत तक ही बने रहना। सो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि कोरोना वायरस हमारे इंडिया में अभी भी अवेलेबल है। दोस्तों, आपके इंडिया के काफी ज्यादा बच्चे जो चाइना में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, वहां से जब वापस आए इंडिया, सो उनके कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे। सो चाइना सरकार ने उनको अपने देश वापस बुला लिया और उनका रेगुलर इलाज कर रहे हैं। लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं हो रही थी। दोस्तों, एक दो बच्चे इंडिया के अभी भी यहां पे इंडिया पे ही हैं और अपना इलाज इंडिया में रह के कराना चाहते हैं। जैसा कि केरला में अभी थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि एक केस सामने आया था हमारे सामने कि केरला का एक बच्चा कोरोना वायरस से ग्रसित है। सो कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है दिन प्रतिदिन हमारे इंडिया में और बाकी के देशों में, वो ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। और आपको मैं ये बताऊंगा कि चीन की सरकार हमसे क्या झूठ बोलती चली आ रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस आज का वायरस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। साल 2003 में ऐसे काफी ज्यादा केस आए थे जिसमें चाइना के लोगों की जान जा रही थी। लेकिन चाइना के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों की जान किस प्रकार से जा रही है। लेकिन देखते देखते चाइना की सरकार स्टडी करते करते समझ पाई कि इन सब की जान बहुत ही गंदा खाना खाने की वजह से हो रही है। अब आप सब लोग जानते हो कि चाइना में क्या क्या खाया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर वहां पे सांप खाए जाते हैं, चमगादड़ खाए जाते हैं, छिपकलियां खाई जाती हैं और मगरमच्छ खाए जाते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये जितना वायरस है जिसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है, ये कोरोना वायरस के ज्यादातर सिम्टम्स इन सभी के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इतना गंदा खाना खाने के बावजूद चाइना की सरकार इन पे रिसर्च कर रही थी कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है लोगों के ऊपर। सो चाइना की सरकार को इस पर पढ़ाई करने में, इस पर स्टडी करने में कम से कम 10 साल लग गए। तब जाकर के चाइना की सरकार को पता चला कि ये कोरोना वायरस है जो चाइना वाले लोगों की जान ले रहा है। सो दिन प्रतिदिन चाइना हमसे जो बातें छुपा रहा है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सो ऐसे साल 2003 में काफी ज्यादा केस आए थे। सो वहां पे लोगों की काफी ज्यादा जाने जा रही थी। लेकिन चाइना की सरकार समझ नहीं पा रही थी कि इन सब लोगों की जान कैसे जा रही है। उसके साल 2014 में पता चला कि इन सब लोगों की जान चमगादड़ खाने से हो रही है। अब जब चमगादड़ में रिसर्च करी गई तो पता चला कि चमगादड़ के अंदर एक ऐसा वायरस पाया जाता है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से नष्ट करता है, जिसका नाम साल 2019 में रखा गया कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस दोबारा चाइना में इसलिए फैला क्योंकि वहां पे चमगादड़ खाना लगातार कंटिन्यू बना रहा। अब एक चमगादड़ से दूसरे चमगादड़ में बीमारी धीरे धीरे साल दर साल बढ़ती रही। सो एक चमगादड़ को ये बीमारी थी तो दूसरे चमगादड़ में फैली, देन इसी कर करके सारे जीवों में ये बीमारी फैलती रही। सो जीवों में फैलने के बाद अब चाइना के लोग, आप सब लोग जानते हो कि ये सब खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सो सबसे पहले ये बीमारी जो थी कोरोना वायरस, ये सब जीवों की थी, कुत्ते के थी, सांप के थी, और सभी ये वायरस जितने हैं, ये कोरोना वायरस जितना भी है, ये सब पशुओं में पाया जाता था वहां के। लेकिन अब आप सब लोग जानते हो कि चाइना के लोग ये सब बहुत खाते हैं। सो धीरे धीरे करके इस वायरस को 2003 से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके 2014 आया, 2014 से करके 2019 में जाकर के ये वायरस चीन के लिए एक महामारी बन चुका है। दोस्तों, आज की डेट में चाइना कहता है कि मैंने सारी चीजें एकदम व्यवस्थित कर ली हैं, सारी चीजें संभाल ली हैं। लेकिन हमें जहां तक सूत्रों से पता चल रहा है कि चाइना में अभी भी हालात काबू में नहीं है। दिन प्रतिदिन कम से कम काफी ज्यादा लोगों की लाशें पाई जा रही हैं और चाइना इन्हें एक्सीडेंटली घोषित कर दे रहा है। चाइना ये हमसे छुपा रहा है कि इन सब लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो रही है। अब दोस्तों, देखना यह कि चीन आगे और कौन से झूठ बोलता है हम सभी देशवासियों के लिए। सो देखना यह था कि चाइना 2003 से इन पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन चाइना को आज जाकर के कोरोना वायरस के बारे में पता चल पाया है, वो भी अच्छे से।
अब चाइना इसका इलाज ढूंढ रहा है और उसने इलाज लगभग लगभग ढूंढ भी लिया है, क्योंकि चाइना ने अभी से कम 10-15 दिन पहले उसने एक अस्पताल बना डाला 7 दिन के अंदर, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट भी किया था कि चाइना ने एक बहुत बड़ा अस्पताल बना डाला है करीब 1500 बेड्स का। सो उसमें कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों का इलाज किया जा रहा है, चाहे वो इंडिया के हों चाहे किसी और देश के हों। वो केवल अस्पताल इसीलिए खोला गया कि कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की सहायता की जाए फ्री में। सो यहाँ पे चाइना काफी अच्छे काम कर रहा है, लेकिन चाइना को अपनी हरकतें सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चाइना को ये सारी बातें हम देशवासियों से नहीं छुपानी चाहिए थी कि ये वायरस चाइना में बहुत पहले से पाया जा रहा है और चाइना वाले दिन प्रतिदिन ये सब खाना नहीं छोड़ेंगे। सो ये वायरस धीरे धीरे और जीवों में फैलता चला जाएगा और धीरे धीरे मनुष्यों में भी फैलता चला जाएगा, क्योंकि ये वायरस जो है एक प्रकार का जो आपका श्वास लेने से और स्पर्श करने से फैलता है। तो अगर आप किसी भी कोरोना वायरस अगर आपके आसपास है, मान लो अगर किसी के भी हो गया गलती से, या फिर दूर से उड़ते उड़ते अफवाह आई कि आपके घर के सामने वाले के कोरोना वायरस है, उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सो आप उनसे दूर रहें। और आपको मैं 2-4 तरीके बता देता हूं कि आप उनसे किस प्रकार से बच सकते हैं। सो आपको हर 10 मिनट पे अपने हाथ ऐसे ऐसे करके अच्छे से धुलने हैं हर तरफ से, और अपना मुंह धुलते रहना है, अपने पैर धुलते रहना है, बिकॉज कोरोना वायरस जो है वो एक प्रकार से छूने से फैलता है और सांस से फैलता है। सो आप उसके पास नहीं जाओगे और आप एक मास्क लगा के जाओगे अगर उसके पास जा रहे हो तो, क्योंकि आपका जो सांस होता है वो हवा में मिलता है। सो जब हवा में मिलता है तो हवा कहीं भी आ सकती है आपके आसपास। सो अगर आप उस हवा को अपने अंदर ले लोगे, यानी कि आप उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लोगे, सो आपके भी ये सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। इसीलिए चीन में ज्यादातर लोगों के कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। सो आप सबको इन सब चीजों से बचना चाहिए। सो कैसा लगा ये वीडियो हमारा, तो आप वीडियो पे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो प्लीज लाइक कर दें, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।